गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन एंड टुडे वी डिस्कस द मौर्य जुडिशियल सिस्टम। इन मौर्य जुडिशियल सिस्टम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोर्ट। फर्स्ट इज किंग्स कोर्ट, इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल कोर्ट एंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल कोर्ट इज इन पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आर संग्रहण एंड द्रोणमुख कोर्ट, दीज आर लोकल लेवल एंड जनपदा लेवल कोर्ट। एंड लास्ट इज ग्रामसंघ, दीज आर द विलेज लेवल कोर्ट। इन मौर्य जुडिशियल सिस्टम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोर्ट, सेंट्रल कोर्ट, संग्रहण एंड द्रोणमुख कोर्ट एंड ग्रामसंघ। फर्स्ट इज किंग्स कोर्ट एंड सेंट्रल कोर्ट। द कोर्ट, दिस कोर्ट वॉज लोकेटेड इन पाटलिपुत्र एंड हेडेड बाय किंग्स, एंड किंग्स वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ एंटायर जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज ग्रामसंघ कोर्ट, दीज आर विलेज लेवल कोर्ट एंड हेडेड बाय ग्राम व्रत एंड ग्रामीणी। जो ग्राम का व्रत होता था वह इसको हेडेड करता था या ग्रामीणी इसको हेड करता था। नेक्स्ट संग्रहण एंड द्रोणमुख कोर्ट, ये जनपद और लोकल लेवल के कोर्ट थे और ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक था धर्मस्थ और एक था कंटक शोधन। धर्मस्थ था जो सिविल कोर्ट था और कंटक शोधन था बेटा वो आपके क्रिमिनल कोर्ट था ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट कंटक शोधन या धर्मस्थ कोर्ट। दीज वर द सिविल कोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर एंड हेडेड या पे कौन थ्री टाइप्स के जज थ्री धर्मस्थाज और व्यवहारिक एंड थ्री अमात्य। तो द धर्मस्थ कोर्ट हेडेड बाय थ्री धर्मस्थाज और व्यवहारिक एंड थ्री अमात्य। टाइप्स ऑफ केसेस, टू टाइप्स ऑफ केसेस प्रेजेंटेड इन धर्मस्थ कोर्ट। फर्स्ट इज सांस एंड सेकंड इज वाक पुरुष्य और दंड पुरुष्य। तो जो धर्मस्थ कोर्ट था उसमें दो तरह के केसेस आते थे, एक तो आते थे सांस और दूसरे आते थे बेटा वाक पुरुष्य और दंड पुरुष्य। सांस केस कौन से होते थे, केस रिलेटेड विद रॉबरी लूट एंड थेफ्ट वर नोन एज सांस एंड दीज केसेस प्रेजेंटेड इन धर्मस्थीय कोर्ट। नेक्स्ट वाक पुरुष्य एंड दंड पुरुष्य, केस रिलेटेड विद अब्यूजिंग डिफेमेशन एंड बीटिंग वर नोन एज वाक पुरुष्य एंड दंड पुरुष्य। अगेन वी डिस्कस द केस रिलेटेड विद थेफ्ट रॉबरी एंड लूटेड वर नोन एज सांस एंड केस रिलेटेड विद अब्यूजिंग डिफेमेशन एंड बीटिंग वर नोन एज वाक पुरुष्य और दंड पुरुष्य। और ये दोनों टाइप के केस कहां प्रेजेंट होते थे, धर्मस्थ कोर्ट में। अब नेक्स्ट है बेटा कंटक शोधन कोर्ट। दीज वर द क्रिमिनल केसेस या दीज वर द क्रिमिनल कोर्ट इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे कौन हेडेड टू द जज, दीज कोर्ट वर हेडेड बाय थ्री प्रदेशश्री एंड थ्री अमात्य। जो धर्मस्थी है वह किसे एडिट होते थे बेटा, थ्री व्यवहारिक, और ये किसे हो रहे, थ्री प्रदेशश्री एंड थ्री अमात्यास। फिर केसेस डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड कंसर्न्ड पर्सन वर प्रेजेंटेड इन दिस कोर्ट। ठीक है, जो धर्मस्थी कोर्ट था वहां पे दो व्यक्तियों के झगड़े आते थे और इस कोर्ट में एक राज्य और एक व्यक्ति का इंडिविजुअल का जो भी झगड़ा है वह इस कोर्ट में प्रेजेंटेड होता था। फिर व्यवहारिक बात है, इन मौर्य पीरियड सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक मामा। फिर आपके रजुक, इन मौर्य पीरियड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रजुक। जो रजुक है हमने पढ़ा है कि अनुसंधान के अंदर अशोक तीन लोगों को भेजता था, प्रादेशिक, रजुक एंड तो इसमें रजुक वही है और इस रजुक को उस समय क्या कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर चाणक्य ने बेटा लॉ के फोर पार्ट बताए, तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य व्हाट आर द फोर पार्ट ऑफ लॉ। तो लॉ के फोर पार्ट, पहला है धर्म जिसे रिलीजन कहते हैं, व्यवहार जिसे बिहेवियर कहते हैं, चरित्र जिसे हम करेक्टर कहते हैं एंड शासन जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये चाणक्य ने लॉ के फोर पार्ट बताए, धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड शासन। तो बेटा आज जो हमने टॉपिक पूरा पढ़ा है एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। मौर्य जुडिशियल सिस्टम, थ्री कोर्ट्स, सेंट्रल कोर्ट, द्रोणमुख एंड संग्रहण कोर्ट एंड ग्रामसंघ। सेंट्रल कोर्ट किससे एडेड हो रहा है आपके,
किंग्स कोर्ट पाटलिपुत्र में उसकी लोकेशन है, किंग उसका हेड होता है, ग्राम संघ विलेज लेवल के कोर्ट है जिसका हेड कौन होता है, ग्राम प्रधान या ग्रामीण। फिर आपके जो संघ और द्रोणमुख कोर्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं, धर्मस्थिया एंड कंटक क्षेत्र। फिर जो कंटक धर्मस्थिया कोर्ट है वो सिविल कोर्ट है और ये किसके द्वारा हेड होता है, थ्री धर्मस्था और व्यावहारिक और थ्री अमात्य के द्वारा। अब इसमें टू टाइप्स के कैसे जाते हैं, साहस और वाक पुरुष और दंड पुरुष। साहस केस है वो कैसे रिलेटेड, थेफ्ट और रॉबरी और लूटिंग से। और जो वाक पुरुष या दंड पुरुष केस है उसको किसको कहते हैं, एब्यूजिंग डिफेमेशन है बीटिंग वाले केसेस क्या कहलाते हैं, वाक पुरुष। और ये केसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, धर्मस्थीय कोर्ट में। फिर कंटक शोधन कोर्ट, ये उस समय के क्रिमिनल कोर्ट थे, किससे अटेंड होते थे, थ्री ब्रदर्स से एंड थ्री अमात्य से। केसेस डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड कंसर्न पर्सन वाले केसेस होते थे वो इस कोर्ट में प्रेजेंट होते थे। फिर नेक्स्ट है व्यवहारिक महामात्य, उस समय जो सिटी मजिस्ट्रेट होता था वो व्यवहारिक महामात्य कहलाता था। एंड रजुक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रजुक कहते थे। फिर चाणक्य ने लॉ के फोर पार्ट्स बताए हैं, धर्म व्यवहार चरित्र एंड शासन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्वेश्चन, व्हेन डिड रूल ऑफ कुषाण डायनेस्टी एंडेड इन नॉर्थ इंडिया। कुषाण डायनेस्टी का रूल है वो नॉर्थ इंडिया में कब एंड हुआ था, इन 230 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द एंड ऑफ कुषाण डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, द सका ऑफ मोरंडा। कुषाण डायनेस्टी के बाद भारत का जो लार्ज पार्ट है कौन सी डायनेस्टी रूल ओवर करती है, द सका ऑफ मोरंडा। ये गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले का टॉपिक है बेटा, इसलिए दो क्वेश्चन आपको पहले हमने बताए हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया बिटवीन 275 AD to 550 AD। थैंक यू स्टूडेंट, तो इन दिस वीडियो यू गेट द नॉलेज ऑफ मौर्य जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। थैंक यू।